नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार के नए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने पहली बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, बता दें आपको कि 7 विश्वविद्यालय के जो कुल सचिव हैं उनके ऊपर कार्रवाई की है। दरअसल वो जो भी काम कर रहे हैं उनके ऊपर रोक लगा दिया गया है। साफ तौर से यह भी आपको बता दें कि जिन जिन लोगों ने पुराने राज्यपाल यानी कि फागू चौहान के समय में जो गड़बड़ियां की थी उसी पर अब तमाम चीजें जो है वो हो रही है, उस पर एक्शन लिया जा रहा है। और इसके तहत बता दें आपको तो 7 विश्वविद्यालयों के जो कुल सचिव हैं उन्हें काम काज करने से रोक दिया गया है। जी हां, आपको बता दें किस तरीके से भागलपुर विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी और वित्तीय परामर्शी के कार्यों पर रोक लगाई गई। राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोगथुन ने शनिवार को कामेश्वर सिंह दरभंगा स्थित विश्वविद्यालय दरभंगा में जो स्थित है, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, मुंगेर विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय बोधगया, पटना विश्वविद्यालय जो पटना में स्थित है, मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना के कुलपतियों को पत्र जारी कर कुल सचिवों के कार्यों पर रोक लगाने की बात जो है वो कही गई है। इस तरीके से यह भी आपको बता दें कि ये जो नए राज्यपाल बिहार में आए हैं उनकी ये सबसे बड़ी कार्रवाई अब तक की मानी जा रही है। साफ तौर से यह भी आपको बता दें कि बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को 1 महीने पहले मेघालय का राज्यपाल बनाया गया और बाद में हिमाचल के जो राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर उन्हें बिहार बुलाया गया। और इस तरीके से जैसे ही वो बिहार में आए हैं और काफी ज्यादा एक्शन मोड में आ गए हैं। और अभी जो पुराने राज्यपाल के जमाने में कुल सचिवों ने गड़बड़ी किया था या किसी भी तरीके से और भी गड़बड़ी हो रही थी तो उन पर इस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है। और अभी वो लोग जो भी काम कर रहे थे तत्काल उन्हें जो है वो उस काम को करने से रोक दिया गया है। साफ तौर से यह भी आपको बता दें कि कई तरह की गड़बड़ियां उन विश्वविद्यालयों से सामने आ रही थी और वहां पर रोक लगाई गई है। पत्र में राज्यपाल सचिवालय द्वारा निर्गत कई आदेशों पर रोक लगाने की बात कही गई है। कहा गया है कि नियुक्ति और पदस्थापित कुल सचिव के सभी कार्यों पर अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है और इसका पालन करने का निर्देश भी दिया गया है। साफ तौर से यह भी आपको बता दें किसी के साथ तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति को लिखे पत्र में राज्यपाल के प्रधान सचिव ने कहा कि वित्त पदाधिकारी के कार्य एवं कर्तव्य निर्वहन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि वित्त पदाधिकारी कौलेश्वर प्रसाद शाह के सभी कार्यों पर अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। और एक अन्य पत्र के जरिए तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति को निर्देश दिया गया है कि वित्तीय परामर्शी कैलाश राम के सभी कार्यों पर अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। और जानकारी के लिए अभी बता दें तो ये दोनों कुछ दिन पहले ही पद पर आए थे। तो इस तरीके से जो पहले राज्यपाल के समय में जिन लोगों ने गड़बड़ियां की थी उसी को लेकर नए राज्यपाल यानी कि राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने यह बड़ी कार्रवाई की है। और अभी फिलहाल जो है वो 7 विश्वविद्यालयों के जो कुल सचिव हैं उन्हें काम करने से रोक दिया गया है। तो देखिए, बता दें कि जैसे ही बिहार में नए राज्यपाल स्थापित हुए हैं वो अब एक्शन मोड में आ गए हैं। और ऐसे जिन लोगों ने भी गड़बड़ियां करनी शुरू की थी या फिर जो भी पुराने समय में गड़बड़ी कर रहे थे उन पर ऐसे शिकंजा कसने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहे लाइव सिटीज़।